हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 की, और एक्सरसाइज 3.6 में जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हमें उनको पहले लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना है, और फिर जो हमने मेथड्स पढ़े हैं पीछे, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिस भी मेथड का यूज करके आप उसको सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हमने उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास जो गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1 / 2x + 1 / 3y = 2 and 1 / 3x + 1 / 2y = 13/6। तो इसको हम 1 मान लेते हैं या भी रहने दो, क्योंकि बहुत सारे अभी इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इनको सोल्व करना है। अब आप देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिखू, इसको अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड जो इक्वेशन, हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1 / 3x + 1 / 2y that is equal to 13/6। हमने इसको यहां से इधर लिख दिया सेकेंड। अब आप देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1 / 2 × 1/x है, 1 / 2 × 1/x है, x को अलग कर लिया। ठीक इसी तरह से 1 / 3 × ये 1 / y है, that is equal to 2। एक्स ऊपर नहीं है, एक्स नीचे है, न्यूमरेटर में नहीं है, एक्स डिनोमिनेटर में है, और दूसरे टर्म भी डिनोमिनेटर में, 2 और 3 भी डिनोमिनेटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले भी आ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4 में भी आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं कि 1/x को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और 1/y को हमने b मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2a + 1/3b। अब देखो हमने इसको पूरे को 1/x को हमने ये माना था, इसकी जगह पे a आ गया, 1/y को हमने b माना था, इसकी जगह पे b आ गया, that is equal to 2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a/2 + b/3 that is equal to 2। क्लियर है यहां तक? जो डिनोमिनेटर में x था, यानी कि वो 1/x है, तो 1/x को हमने a मान लिया और 1/y को हमने b मान लिया। आप चाहे तो 1/x को u मान सकते हैं और 1/y को v मान सकते हैं। तो ये सारा काम किस में आ जाएगा, u और v में आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप इस पे आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y that is 13/6। इसमें भी हमने यही किया, दोनों में यही किया, तो ये 1/3a + 1/2b that is 13/6। हम इसको लिख सकते हैं a/3 + b/2 और ये 13/6। 1/3a को लिख दिया a/3 + इसको लिख दिया b/2 that is 13/6। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले पार्ट को सारे को भूल जाओ, यहां से देखो इस जगह से, इसको इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.4 में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एक्स और वाई के लिए।
एक्स और वाई के लिए एक्सरसाइज 3.4 में भी ऐसे क्वेश्चन है, सभी जगह पे है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो ये जो नीचे है डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, इसको खत्म कर सकते हैं। हम इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन एक मान लें और इसको दो मान लें, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है हमारे पास, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय सिक्स, क्योंकि इसका एलसीएम सिक्स बनता है और इसका भी एलसीएम सिक्स बनता है, तो सीधा लिख दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बाय सिक्स, दोनों को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये a डिवाइड बाय 2 इंटू सिक्स, बी डिवाइड बाय 3 इंटू सिक्स और ये 2 इंटू सिक्स, तो यहां से कैंसिल होकर 3 आ गया, यानी कि 3a हो जाएगा, ये हमारे पास 3a, ये 2 रह गया तो 2b दैट इज 12, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। इसी तरह से जब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये a डिवाइड बाय 3 इंटू सिक्स, बी डिवाइड बाय 2 इंटू सिक्स, 13 डिवाइड बाय 6 इंटू सिक्स, ये इसके साथ कैंसिल, यहां से 3 आ गया, यहां से 2 आ गया, तो ये हो गया 2a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 13, ये 4। अब हम इस 3 और 4 को दोबारा से लिख देते हैं, 3a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और 2a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप इनको ध्यान से देखें, इस तरह के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में किए हैं, किसी भी एक मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो आपने पीछे अप्लाई किया है, उनमें से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो सिंपल मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। अब आप इसमें क्या करें, अब देखो पहले एक क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया तो आप यही इंडिकेट कर दें, कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे इंडिकेट कर दिया, और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 6a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 24, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 9b दैट इज इक्वल टू 13। अब ये कोफिशिएंट एक जैसे हो गए, अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस और माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 4b प्लस के है और 9b माइनस के है, 4b प्लस के है और 9b माइनस के है, तो माइनस के 5b रह गए, 24 प्लस के है और 39 माइनस के है, तो माइनस के 15 रह गए, माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो b इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, बी इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा 3, 1, तो यहां से बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 में कर देते हैं, ये है 3a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 12, तो 3a प्लस 2 इंटू बी, बी की वैल्यू है 3 दैट इज 12, 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2a इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 1 और ये 3, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3। अब देखो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की, हमारे वेरिएबल x और y थे। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या माना था, 1 बाय एक्स को a के इक्वल माना था, हमने 1 बाय एक्स को a के इक्वल माना था, और 1 बाय वाई को b के इक्वल माना था, तो 1 बाय एक्स a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू है 3 लिख दिया, 1 बाय वाई b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, सॉरी हाँ a की वैल्यू हमारे पास यहां पे हमने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, 3a है हमारे पास, ये थोड़ा ध्यान रखना, 3a पे चल रहा था, ये तो 3 था, 3a यहां पे 3a, यहां पे 3a, यहां पे 3 आएगा तो 2 पे कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, तो
ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, टू है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थ्री है। अब देखो ये मिस्टेक होगी ना हमसे, हम फाइनली इसको आंसर को निकाल के वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब यहां से देखो टू डी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो टू एक्स दैट इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम यहां पे वन लगा लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई टू और वाई की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो। फर्स्ट है हमारे पास वन डिवाइड बाय टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय थ्री वाई इज इक्वल टू टू, वन डिवाइड बाय टू इंटू एक्स की वैल्यू वन बाय टू है तो यहाँ वन बाय टू, वन डिवाइड बाय थ्री इंटू वाई की वैल्यू वन बाय थ्री है दैट इज इक्वल टू थ्री। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, वन डिवाइड बाय वन, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, वन डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू टू। तो ये वन डिवाइड बाय वन तो वन ही होता है, वन और वन टू, टू इज इक्वल टू टू, यानी कि सही है। इस तरह से हमने अपने जो आंसर है उसकी वेरिफिकेशन कर ली है। तो अब हम ये श्योर है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपने देखा इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है कि जो वेरिएबल्स है वो आपको इस तरह से दे रखे हैं कि लीनियर फॉर्म नहीं है डायरेक्ट। पहले तो क्या होते थे एक्स और वाई आपको ऊपर ही मिलेंगे, अब की बार ऊपर नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके दे रखे हैं आपको। यहां नीचे है, इसमें भी, यहां पे भी और यहां पे भी, तो हमने इनको अलग करके लिखा था ये वन बाय टू इंटू वन बाय एक्स है, ये वन बाय थ्री इंटू वन बाय वाई है, ये वन बाय थ्री इंटू वन बाय एक्स है, और ये वन बाय टू इंटू वन बाय वाई है। तो हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। जैसे ही हमने इसको ए और बी माना तो हम यहां पहुंच गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पुराना ही क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ए और बी में हो गया, वो पहले एक्स और वाई में होता था, पहले वो किसमें होता था एक्स और वाई में, अब ये किसमें हो गया ए और बी में हो गया। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म है, कुछ फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान हो गया है क्वेश्चन। तो इसका दोनों का एलसीएम सिक्स मरता है, तो दोनों को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंचने के बाद देखो आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने इसको सोल्व कर लिया। तो फिर बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन।